Hello, Bachi, let's read the question. A solid float such that its 1 by 3 part is above the water surface, then the density of the solid is. Okay. एक solid हमारा float करे such that जिसका जो 1 by 3 part है above the water surface है, हमें density of the solid find out करना है. So, देखो हम situation पहले समझ लेते हैं. ये हमारा water हो गया, ठीक है. एक solid क्या कर रहा है? Float कर रहा है. ये हमारा इस तरीके से solid हो गया, ठीक है. इसका जो 1 by 3 part है above the water surface है, ठीक है. तो जो वॉल्यूम ऑफ पार्ट अबव द वॉटर सरफेस कितनी हो जाएगी? v बाय 3. v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. v हमने मानी है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है. और इनसाइड द वॉटर सरफेस ये वाली इसकी जो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ पार्ट इनसाइड द वॉटर सर्फिस, दैट वुड बी वी माइनस वी बाई 3. ये हो जाएगा आपके पास 2v/3, ठीक है. अब देखो हमें पता है कि जब ये बॉडी फ्लोट कर रही होगी तो जो वेट ऑफ द बॉडी होगा दैट वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर. वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होगा? देखो जो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड ये हो जाएगी दैट वुड बी 2v/3, ठीक है. जो डिस्प्लेस लिक्विड होगा दैट वुड बी वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड वुड बी 2v/3 इनटू में जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट वुड बी 10^3 kg/m³ इनटू में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हमारा वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर हो जाएगा. एंड वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, जब हमारी कोई बॉडी फ्लोट कर रही होती है तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर दैट वुड बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है. वेट ऑफ द बॉडी दैट वुड बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा मास इंटू में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और मास को हम क्या लिख सकते हैं? मास हो जाएगा हमारा डेंसिटी. डेंसिटी हम मान लेते हैं बॉडी की जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, इंटू में हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है. तो ये हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी, ठीक है. जो मास ऑफ द बॉडी होगा दैट वुड बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. तो सिग्मा इंटू में वी जी 2v/3 इंटू में 10^3 जी. तो ऐसे जी से जी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, तो जो डेंसिटी ऑफ द बॉडी आ जाएगी 2/3 इंटू में 10^3, ठीक है. यानी कि हम लिख सकते हैं 2000/3 kg/m³. तो ये आपकी आ जाएगी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, जो कि हम देख सकते हैं किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.